हेलो एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इतने कम समय में मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और इस खुशी में मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल पैच लेके आ रहा हूँ, जिसका कि मैं प्रोग्रामिंग भी आप लोगों को बताऊँगा, पूरा एडिटिंग बताऊँगा उसका, कि आप पैच कैसे बनाएंगे। वो आप बहुत आसानी से वो पैच बजा सकते हैं, बहुत सिंपल है बट आउटपुट उसका बहुत अच्छा आता है। और इसको बहुत सारे गाने में आप यूज कर सकते हो, उस पैटर्न का, उस पैटर्न के हिसाब से जो भी गाने रहेंगे, जैसे कि चुरा लिया है तुमने और दो लफ्जों की है दिल की कहानी, और इस टाइप के जितने भी गाने हैं इस टाइप के पैटर्न के, आप उसमें यूज कर सकते हो, जिसमें कि रिदम भी बजेगा और बेस गिटार का बम्पिंग बजेगा। तो आप उसको केवल आपको बेस गिटार का ट्यूनिंग करना है और इसको आप बहुत सारे गानों में यूज कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसका आप लोगों को प्रोग्रामिंग बताने वाला हूँ पूरा। और अगेन फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियोस और मेरा पैच अगर आप लोगों को पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। चलिए अभी मैं आप लोगों को पहले बजा के बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसका प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताता हूँ। लेफ्ट हैंड से, अपना लेफ्ट हैंड से इधर से पैटर्न चलेगा और राइट हैंड से मेरा गिटार का पैटर्न चलेगा। तो आप लोग अगर, मैं एक्चुअली मैं राइट में किक रखता हूँ, लेकिन ये इसमें मैं लेफ़्ट में लगा के रखा हूँ, आप किधर भी लगा सकते हैं, मैं प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताऊँगा उस हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन, मैं लेफ़्ट का बजा के आप लोगों को बताता हूँ। ये लेफ़्ट से बजेगा और राइट से ये बजेगा। अभी दोनों एक साथ बजाते हैं अपन। अभी मैं इसका प्रोग्रामिंग आप लोगों को बताता हूँ सारा। तो आइए फ्रेंड्स, इस पैच का मैं एडिटिंग आप लोगों को बताता हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप एडिट में जाने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसमें मैं डिले कौन सा यूज़ किया हूँ। तो इसमें मैं 20 नंबर का डिले यूज़ किया हूँ, जिसका टाइमिंग है 16 और इसका जो वॉल्यूम है डिले वॉल्यूम वो 15 वॉल्यूम है फुल, ठीक है। इसके बाद मैं जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया हूँ, पहले ब्लॉक में किक, ये B47 का किक है, इसका लेवल ये रहेगा 13 और पिच रहेगा -2 और इसका डीके कर दीजिएगा आप 6 और बाकी सब नॉर्मल रहेगा AP4 में। वह बाकी आप जैसे भी यूज करते हैं इसको आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इसका डिले टाइमिंग आप रखिएगा 14 और इसका मेन वॉल्यूम रहेगा 13। तो इसके बाद कुछ ऐसा साउंड करेगा ये ए बैंक का, ठीक है। ए बैंक में मैं ये लगाया हूँ और उसके बाद सेकंड ब्लॉक में मैं क्या लगाया हूँ, L12। L12 का मेन वॉल्यूम पूरा 0 रखना है आपको, पिच रखना है 6 और डीके रखना है 22, पेनिंग आप लोगों को सेंटर रखना है, EP4 में ऑल पैच का पूरा रखना है AP4। उसके बाद आप लोगों को इसका डिले का टाइम ही रखना है 12। तो इससे क्या होगा कि ये मेन वॉल्यूम कम रहेगा, तो आप जैसे डिले ऑफ करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बजेगा, ये ओनली प्री डिले बजेगा, इसको बोलते हैं प्री डिले। तो ये जब अपन मेन वॉल्यूम नहीं बज रहा है और ये बाद में केवल डिले का साउंड आ रहा है, तो ये सेकेंड ब्लॉक का ऐसा रखना है। थर्ड में इधर अपन ऐसा अपन पैटर्न बजाते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो अपन ये 3 में वापस से फिर से अपने को L12 रखना है, इसका मेन वैल्यूम 12 रखना है, पिच सेम रहेगा, डीके थोड़ा सा कम है इसका और AP4 सब में रहेगा और इसका डिले टाइमिंग कुछ नहीं रहेगा, इसमें डिले नहीं है।
अपन फोर्थ में आते हैं, इसमें आपको रखना है L10, आपका लेवल इसमें रहेगा 9, पिच 0, डीके फुल रहेगा 31, पेनिंग सेंटर में रहेगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, डीके टाइमिंग कुछ नहीं, डिले टाइमिंग इसका कुछ नहीं रहेगा। ओके, ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड का ए बैंक का। अभी लेफ्ट हैंड में ही अपने को बी बैंक में मैंने क्या लगाया, बी बैंक का आपको रखना है L24 फर्स्ट ब्लॉक में, इसका आप टाइमिंग लेवल रखिए आप 8, पिच 4 रखिए, डीके 0 रखिए, पेनिंग सेंटर बाकी सब नॉर्मल, और आपको इसका डिले टाइमिंग 10 रखना है, मतलब इसका वो मेन वॉल्यूम 8 और नीचे का डिले टाइमिंग 10, इससे आपको ऐसा साउंड करेगा। और सेम आपको यहाँ पे ये फर्स्ट ब्लॉक का होगा, ये सेकंड ब्लॉक में आपको 25 रखना है, L25, और इसको 7 वॉल्यूम 7 रखना है, इसका पिच आपको 0 रखना है, डीके भी 0 रखना है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, और आपका डिले टाइमिंग जो है वो 5 रखना है, मतलब इसका हो गया आपका मेन वॉल्यूम 7 और डिले टाइमिंग, डिले वॉल्यूम इसका 5 रहेगा, डिले का वॉल्यूम, सॉरी डिले का वॉल्यूम। और उसके बाद आपको थर्ड में सेम रखना है, आपको जैसा फर्स्ट में है वैसा थर्ड में रखना है, सारा चीज़ सेम रहेगा फर्स्ट और थर्ड, और सेकंड और फोर्थ में, सेकंड और फोर्थ में सेम रहेगा। ओके, तो ये आपका पैच हो गया लेफ्ट हैंड का रेडी। अभी अपन आते हैं राइट हैंड में। अभी राइट हैंड में मैं पहले ए बैंक का बताता हूँ आपका, इसमें हैंड ऐसा चलेगा अपना, इसमें क्या चलेगा, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले ए बैंक में अपन जो फर्स्ट ब्लॉक में जो रखे हैं इधर नीचे से, तो राइट हैंड के फर्स्ट ब्लॉक में अपन रखे हैं N59, जिसका वॉल्यूम है 12, पिच है इसका 2, मतलब ये डी स्केल में मिला हुआ है डी में, और इसका डी के रखना है अपने को -18, पेनिंग अपना सेंटर रहेगा, बाकी सब EP4, डिले टाइमिंग इसका, डिले का वॉल्यूम इसका रहेगा 13, और मेन वॉल्यूम इसका रहेगा 12, तो ये ऐसा साउंड करेगा, ठीक है। इसके बाद अपने को इधर से अपने को सेकंड में ये सेकंड ब्लॉक ये आ रहा है, तो अपने को ए बैंक में ही इसमें भी अपने को N59 रखना है, जिसका मेन वॉल्यूम 0 रहेगा, पिच रहेगा -3, डीके सेम रहेगा, और इसका डिले वॉल्यूम रहेगा 13, और इसका मेन वॉल्यूम 0 रहेगा, तो ये ऐसा साउंड करेगा। थर्ड में आए तो इसमें भी वही रहेगा सेम साउंड, और इसका वॉल्यूम फुल है 15, पिच 0, मतलब ये सी में लगा हुआ है, और -15 इसका डीके रहेगा, बाकी सब सेम, इसमें कोई डिले नहीं डालना है। फोर्थ में आए इसमें भी सेम साउंड है, इसमें भी फुल वॉल्यूम है, इसका पिच रहेगा +2, मतलब फर्स्ट और फोर्थ का सेम पिच है, डीके -10, बाकी सब इसका सेम, इसमें भी डिले अपने को डिले का साउंड, डिले का वॉल्यूम नहीं चाहिए। तो ये हो गया ए बैंक। और बी बैंक में मैंने क्या लगाया, बी बैंक में फर्स्ट ब्लॉक में कुछ नहीं है, सेकंड ब्लॉक में कुछ नहीं है, थर्ड ब्लॉक में कुछ नहीं है, और अपना सेकंड ब्लॉक और फोर्थ ब्लॉक में अपने को लगाना है, इसमें लगाना है N41, इसका वॉल्यूम है 8, पीछे 2, डीके फुल, बाकी सारा चीज़, इसमें डिले टाइमिंग कुछ नहीं है, ये एकदम सीधा सीधा है। उसके बाद अपने को इधर फोर्थ में आना है, इसमें भी सेम साउंड 8, इसमें भी सेम पिच 2 2, सारा चीज़ सेम करना है दोनों में। अभी इसको अपन दोनों बैंक दोनों लेयर को बजाएंगे, तो इसको अभी हम लोग पूरा फुल पैंच अपन प्ले करेंगे।